हमारा पहला वर्ड्स है कानून बनाना, लेजिस्लेट। कानून बनाना, लेजिस्लेट। छोड़ देना, ओमिट। छोड़ देना, ओमिट। फिदिया या जमानत, रैंसम। हिचकिचाना, हेसिटेट। हिचकिचाना, हेसिटेट। मजाक करना, प्रैंक। मजाक करना, प्रैंक। तैरना, स्विम। स्विम, तैरना। सवारी करना, राइड। सवारी करना, राइड। चाहे आप ट्रेन पे सवार हो रहे हैं या घोड़े पे या गाड़ी पे, जो भी आप सवारी करेंगे तो उसे आप राइड कहेंगे, तो ये बनेगा राइड, सवारी करना। वजाहत करना, एक्सप्लेन। आप किसी सवाल की वजाहत कर रहे हैं या किसी बिची जवाब सवाल की, तो आप उसे कहेंगे एक्सप्लेन, वजाहत करना। बुलंद आवाज़, लाउडली। बुलंद आवाज़, लाउडली। भूल जाना, फॉरगेट। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसे आप कहेंगे फॉरगेट, या किसी शख्स को भूल जाते हैं तो इसी का मतलब होगा फॉरगेट, भूल जाना। नेक्स्ट है लुत्फ़ अंदोज़ होना, इन्जॉय। इन्जॉय, लुत्फ़ अंदोज़ होना। समझ बूझ, अंडरस्टैंड। अगर आप कोई चीज़ या कोई सवाल समझ आ चुका है तो आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड, यानी आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट है सादा, सिंपल। सादा, सिंपल। मुश्किल से, हार्डली। अगर आप कोई काम बहुत मुश्किल से करते हैं तो उसे आप कहेंगे आई हार्डली डन दिस, मुश्किल से, हार्डली। यकीन, बिलीव। यकीन, बिलीव। एतराफ़ या तोबा, कन्फेशन। ठीक है, अगर आप किसी, आपने कोई गलत काम किया है और आप उसका एतराफ़ कर चुके हैं तो उसे आप कहेंगे कन्फेशन, एतराफ़। नेक्स्ट है खुश खुल्क, ब्लैंड। अगर आप किसी से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खुश खुल्क कहलाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लैंड। नेक्स्ट है घटड़ी, बंडल। घटड़ी, बंडल, यानी किसी भी चीज़ के आप एक कलेक्शन देखें, ठीक है, बांध के, तो उसे आप कहेंगे घटड़ी, बंडल। नेक्स्ट है खिसक जाना, स्लिंक, यानी अगर आप किसी काम से बचने के लिए आराम से निकल जाते हैं तो उसे कहेंगे स्लिंक, खिसक जाना। नेक्स्ट है ख़त्म करना, टर्मिनेट। अगर आप किसी चीज़ को या किसी शख्स को उसके काम से दखल अंदाज नहीं करने देते, उसको निकाल देते हैं, तो उसे आप कहेंगे टर्मिनेट, ख़त्म करना। खौफ ज़दा करना, हॉरिफाई। खौफ ज़दा करना, हॉरिफाई। कमज़ोर या ज़ईफ़, इनफिर्म। कमज़ोर, या आप कह सकते हैं ज़ईफ़, इनफिर्म। डांटना या कहेंगे बुरा भला कहना, चाइड। चाइड, डांटना या बुरा भला कहना। नेक्स्ट है मजबूर करना, कंस्ट्रेन। मजबूर करना, कंस्ट्रेन। बढ़ा चढ़ा कर मशहूर करना, ब्लेजन। बढ़ा चढ़ा कर मशहूर करना, ब्लेजन, यानी अगर आप अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, उसको मशहूर कर देते हैं, ठीक है, इतना वो काम नहीं होता अच्छा, लेकिन आप उसको अपनी तरफ से बहुत ऊंचा करके दिखाते हैं, तो उसे आप कहेंगे ब्लेजन, यानी बढ़ा चढ़ा कर मशहूर करना। नेक्स्ट है मश्क, प्रैक्टिस, दोहराई करना। इसको आप दोहराई भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस करना यानी मश्क करना। पकड़ना, कैच। कोई भी आप कोई चीज़ पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं या किसी का हाथ पकड़ते हैं, तो उसे आप कहेंगे कैच, पकड़ना। भूल भुलैया, इल्यूजन, पजल जिसे हम कहते हैं। और नेक्स्ट इसका दूसरा वर्ड है इल्यूजन, यानी इंसान को समझ ना आए, ठीक है, भूल भुलैया।
हकीकत रियलिटी, हकीकत रियलिटी। उम्मीद होप, अगर आपको किसी चीज़ की उम्मीद है पास होने की, कामयाब होने की, तो आप कहेंगे होप यानी उम्मीद। नेक्स्ट है जाहिल, इग्नोरेंट। जाहिल यानी किसी को, अगर ऐसा शख्स जिसे किसी चीज़ की तमीज़ ना हो, उसे आप कहेंगे ये जाहिल है यानी इग्नोरेंट। नेक्स्ट है काट कबाड़, रद्दी माल, जंक। आप में, आपके घर में जो खाम माल होता है, रद्दी का कूड़ा जिसे हम डस्टबिन में डालते हैं, उसे आप कह सकते हैं ये रद्दी माल है, और इंग्लिश में इसे कहेंगे जंक। नेक्स्ट है मुत्तहिदा जमात, इत्तेहाद, लीग। काबिज़ होना, अकुपाई, काबिज़ होना, अकुपाई। मुख्तसर वक्फ़ा, पॉज, मुख्तसर वक्फ़ा, पॉज यानी किसी काम को रोकना या उसमें वक्फ़ा लेना, उसे आप कहेंगे पॉज। नेक्स्ट है ग़ुलाम, स्लेव, कैदी। अगर किसी को किसी कमरे में या जेल में उसको कैद कर दिया जाता है, जिसे हम ग़ुलाम कहते हैं, तो उसे आप कहेंगे स्लेव। हाथ का काम, हैंडी वर्क। अगर हाथ से आप कोई काम करते हैं, कलाकारी करते हैं, तो उसे आप कहेंगे हैंडी वर्क, हाथ का काम। अकीदत, होमेज। अगर किसी को अच्छा काम करने पर आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो उसे आप कहेंगे होमेज यानी अकीदत, खराज अकीदत। लामहदूद, इनफिनाइट, लामहदूद, इनफिनाइट, जो ना ख़त्म होने वाला हो, उसे हम कहेंगे लामहदूद, इनफिनाइट। इत्तफाकी, बेज़ाबता। कैजुअल यानी ऐसा काम जो आपका प्लान ना हो, तो उसे आप कह सकते हैं कि इत्तफाकन हो गया या वो ज़ाबते में नहीं था, उसे आप कहेंगे कैजुअल। नेक्स्ट है मुलतवी करना, पोस्टपोन। अगर आप कहीं जा रहे हैं या किसी काम का करने का इरादा है और उसको आप छोड़ देते हैं, तो उसे आप कहेंगे पोस्टपोन, मुलतवी करना। लंगड़ा, लिम्प, लिम्प किसे कहेंगे, अगर कोई शख्स चलने में माजूर है, उसकी टांग टूटी हुई है या वो सही नहीं चल सकता, तो उसे आप कहेंगे लंगड़ा, लिम्प। चीरना या फाड़ना, लेसीरेट, चीरना या फाड़ना, लेसीरेट। हचकोले, जोगल, हचकोले मतलब हिलना, ठीक है, एक जगह पे ना होना, उसे आप कहेंगे जोगल, हचकोले। मशगला, हॉबी, हर शख्स का एक अपना मशगला होता है, हॉबी होती है, किसी का टिकट इकट्ठा करना, किसी का गार्डनिंग करना, तो कोई भी शख्स अगर कोई फ्री टाइम में कोई काम करता है, तो उसे हॉबी कहलाते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं मशगला, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हॉबी। सीखना, लर्न, आप जो भी काम सीखते हैं या कोई वर्ड सीखते हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, इसे कहेंगे लर्न। मुखालिफ, अपोजिट, मुखालिफ, अपोजिट। कुदरती, नेचुरली, कुदरती तौर पर यानी नेचुरल जो चीज़ है, उसे हम कहेंगे नेचुरली। अच्छाई, गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस। छुपा हुआ, हिडन, अगर कोई चीज़ छुपी हुई है, तो उसे आप कहेंगे हिडन यानी छुपा हुआ। नेक्स्ट है निसाब, सेलेबस, निसाब, सेलेबस। जैसे कि हर स्टूडेंट का, हर स्कूल का सेलेबस होता है, जो उसको एक पूरे साल में कवर करना होता है, तो उसे आप कहेंगे सेलेबस। मुहैया करना, प्रोवाइड, मुहैया करना, प्रोवाइड। सतह, लेवल, सतह, लेवल। बढ़ाना, एनहेंस, किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं या किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, तो उसे कहेंगे बढ़ाना, तो एनहेंस। नेक्स्ट है रवैया, एटीट्यूड, आपका लोगों के साथ कैसा बोलना चाल कैसा है, तो उसे आप कहेंगे रवैया, एटीट्यूड। नेक्स्ट है जुड़वा, ट्विन,
जुड़वा ट्विन इकट्ठी हुई चीज बोलना स्पीक बोलना स्पीक चलना वॉक एतमाद कॉन्फिडेंस अगर आप कोई काम या बोलचाल आपका एतमाद से है तो उसे आप कहेंगे कॉन्फिडेंस एतमाद जवाब देना रिस्पांस जवाब देना रिस्पांस हमेशा के लिए फॉरएवर हमेशा के लिए फॉरएवर ज़रूरत नीड आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है पानी की तालीम की किसी भी चीज़ की तो उसे आपके लिए इस्तेमाल करेंगे नीड किरदार कैरेक्टर मादनियात मिनरल मलकियत अराजी प्रॉपर्टी साहिल या आप कह सकते हैं किनारा शोर यानी समंदर के साथ जो खुश्क ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं साहिल ठीक है उसे इंग्लिश में कहते हैं शोर और उर्दू में कहते हैं साहिल शहादत देना टेस्टिफाई यानी किसी की आप ज़मानत दें किसी शख्स की या उसकी कि भाई ऐसा ये आइंदा से नहीं करेगा तो आप उसे कहेंगे टेस्टिफाई शहादत देना डबोना इमर्स गड़मट कर देना जंबल दिल खोल कर खर्च करना लेविश अगर एक शख्स रुपयों को पैसे को दिल खोल कर खर्च करता है यानी जमा करके नहीं रखता तो उसे आप कहेंगे वो लेविश है यानी बहुत दिल खोल कर खर्च करता है नेक्स्ट है हीरा डायमंड कोशिश स्ट्रगल आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं पेपर्स के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तो उसे आप कहेंगे स्ट्रगल बहादुर ब्रेव चेहरा स्किन कैसे भी एनी हाउ यानी अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और आप कहेंगे कैसे भी हो तो मैं इस चीज़ को हासिल कर लूं तो आप कहेंगे एनी हाउ कैसे भी तिरछा ओब्लिक राय ओपिनियन अगर आप किसी शख्स की उसकी राय पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में किसी काम के बारे में तो उसे आप कहेंगे ओपिनियन यानी व्हाट इज़ योर ओपिनियन आपकी क्या राय है कटौती रिबेट मनवा लेना परस्यूड अगर आप किसी शख्स को किसी काम के लिए मनवा लेते हैं तो आप कहेंगे परस्यूड मनवा लेना माफ़ी या बख्शिश रिमिशन बेहस इम्पैसिव अगर किसी शख्स पर किसी चीज़ का असर नहीं होता बेहस है वो टस से मस नहीं होता तो उसे आप कहेंगे इम्पैसिव गैर महफूज इनसिक्योर टकराना या तसादुम कोलाइड किसी चीज़ का टकराना या गाड़ियों का टकराना आप इसमें तो उसे आप कहेंगे कोलाइड टकराना या तसादुम होना मिनट समाजित करना बिसीच अगर आप किसी शख्स की किसी काम के लिए मिनट समाजित करते हैं कि खैर आप हैं मैं ये मेरा काम कर लें बड़ी मेहरबानी आपकी होगी तो उसे आप कहेंगे मिनट समाजित करना बिसीच गुलदस्ता बुके यानी फूलों का एक मजमूआ आप कहेंगे उसे गुलदस्ता बुके नेक्स्ट है शोला फ्लेम आग का शोला हो सकता है ऐसे कह सकते हैं शोला फ्लेम बर्दाश्त करना टॉलरेट अगर आप किसी का बुरा सलूक बर्दाश्त करते हैं वो आपको बुरा भला कहते हैं तो उसे आप कहेंगे टॉलरेट मुरम्मत करना मेंड मुरम्मत करना
मेंड, किसी भी चीज़ की मरम्मत इसमें आ सकती है, जूतों की, कॉपी की, घर की, इसे आप कहेंगे मेंड। आयत करना, इम्पोज, आयत करना, इम्पोज, लागू करना, इसे आप कह सकते हैं इम्पोज। आग पकड़ना, जल उठना, किंडल, किसी चीज़ को अगर आग लगी या आग का उसका पकड़ना तो इसे आप कहेंगे किंडल, आग पकड़ना। ताकत से रोकना, रिजिस्ट, अगर आप किसी चीज़ को अपने पावर से रोकते हैं, ताकत से रोकते हैं, उसे आप कहेंगे रिजिस्ट। हासिल करना, गेन, अगर आप कोई कामयाबी हासिल कर चुके हैं या कोई चीज़ तो उसे आप कहेंगे गेन, हासिल करना। आंधी, झक्कड़, गेल, सख्त तूफान हो, झक्कड़ हवा तेज चल रही हो तो उसे आप कहेंगे आंधी, गेल। काटना या टुकड़े टुकड़े करना, हैक, टुकड़े करना या काटना, हैक। जंगला, बाढ़, हैज, जंगला या बाढ़, हैज।